हाय फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग माय ट्रेड व्यू। फ्रेंड्स, आज हम लोग निफ्टी को 15 मिनट टाइम फ्रेम में कैसे ट्रेड कर सकते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, आप अगर मार्केट में नया है तो ये जो तरीका मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो आपके लिए सही होगा, और अगर आपको मार्केट में थोड़ा सा एक्सपीरियंस मिल जाए, 6 महीना 1 साल का एक्सपीरियंस जब मिल जाएगा, तब आप वो जो 15 मिनट का टाइम फ्रेम से आप 5 मिनट पर आ जाइए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ट्राई कीजिए 15 मिनट टाइम फ्रेम में ट्रेड करने का, बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी है, आपको काम में आएगा, आप देखते जाइए। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, आपको बड़ा टाइम फ्रेम में, सपोज आवरली टाइम फ्रेम में आपको मार्केट का जो ट्रेंड वो समझना चाहिए। सपोज मार्केट इधर से नीचे आ रहा है, मार्केट अभी इधर है, तो ये आपको मालूम हो जाएगा मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि मार्केट डाउन पे निकले, ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। लेकिन ये मेरा फर्स्ट टाइम व्यू है ट्रेड करने से पहले, ये मेरा व्यू है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं नीचे डाउन वाला ट्रेड करूंगा, मैं पुट बाय करूंगा, ये नहीं। मैं तो बाय करूंगा अकॉर्डिंग टू माई स्ट्रैटेजी, लेकिन ये जो ट्रेंड है ये ट्रेंड पहले से मालूम होना चाहिए। बड़ा टाइम फ्रेम में आवली और डेली टाइम फ्रेम में आप ये मार्केट का जो ट्रेंड ये पता कर लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ड्यूटी है। सेकेंडली, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, आप सपोर्ट लाइन, मार्केट का सपोर्ट लाइन एंड रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कीजिए। सपोज ए मार्केट का रेजिस्टेंस लाइन, ए मार्केट का सपोर्ट लाइन, सेकेंड जो सपोर्ट लाइन है उसको भी ड्रॉ कीजिए। सपोज इधर सेकेंड सपोर्ट लाइन, ये S2 है और ये R2 सेकेंड रेजिस्टेंस है, ये R1 है, R2 है। अभी आप शांति से बैठिए और मार्केट को ओपन होने दीजिए। अब देखिए मार्केट किधर ओपन होता है। सपोज मार्केट इधर ओपन होता है और ओपन होते ही एक अच्छा सा रेड कैंडल मार्केट फॉर्म किया। जब मार्केट रेड कैंडल फॉर्म किया, 15 मिनट का चार्ट है ये, 15 मिनट टाइम फ्रेम में आप ट्रेड कीजिए, बढ़िया ट्रेड मिलेगा आपको। तो पहला कैंडल ये तैयार हुआ, इसके बाद आप सेकंड कैंडल का वेट कीजिए। सेकंड कैंडल समझ लीजिए कि सेकंड कैंडल एक ग्रीन कैंडल बना, इधर ही ओपन हुआ, दैट मीन्स ये जो रेड कैंडल है उसका अंदर ही ओपन हुआ, तो आपको ट्रेड लेना नहीं चाहिए। इधर आप वेट कीजिए, आप ये जो रेड वाला पहला वाला जो कैंडल है उसके जो अपर साइड और लोअर साइड उसको मार्क कर लीजिए, इसके अंदर कोई ट्रेड नहीं लीजिए, कोई ट्रेड इधर नहीं लीजिए। ट्रेड इधर आप लेंगे तो वो रिस्की ट्रेड हो जाएगा, क्योंकि मार्केट के जो डायरेक्शन है उसका अभी तक हम लोगों का मालूम नहीं है। ऐसे मार्केट को फॉर्म होने दीजिए, उसके बाद मार्केट जिधर निकलेगा, सपोज मार्केट ये जो लो लाइन है उसको ब्रेक डाउन कर रहा है इधर, तो आप इस पॉइंट पे जब मार्केट को ब्रेक डाउन कर रहा है तब पुट पे एंटर कीजिए, पुट, और आपका पहला वाला टारगेट ये होना चाहिए। और मार्केट अगर इसी फ्लो में सेकंड टारगेट में जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इधर जब मार्केट आएगा तब आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि ये जो ट्रेंड ये आपको बहुत प्रॉफिट देगा। निफ्टी में ये अगर 50 पॉइंट का कैंडल बन जाएगा और 50 पॉइंट होता है तो आपको 20-25 रुपीज़ प्रॉफिट मिल जाएगा पर लॉट। फ्रेंड्स, और अगर मार्केट इधर रेड कैंडल फॉर्म ना करके अगर ग्रीन कैंडल फॉर्म करके इसका ब्रेकआउट करता है, तो इस कैंडल का क्लोजिंग का इंतजार कीजिए, उसके बाद आप कॉल में एंटर कीजिए, और आपका पहला वाला जो टारगेट वो ए रेजिस्टेंस 2 तक रहेगा, और इसके अंदर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा। फ्रेंड्स, यही सिंपल स्ट्रैटेजी है, लेकिन हर रोज़ आपको ये ट्रेड नहीं मिलेगा। कुछ दिन ऐसा होगा कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, कुछ दिन ऐसा होगा कि आपको ट्रेड ही नहीं मिलेगा, ऐसा हो सकता है, लेकिन जो ट्रेड आपको मिलेगा वो बहुत बढ़िया ट्रेड मिलेगा। फ्रेंड्स, ये तो गया सिंपल स्ट्रैटेजी, लेकिन आपको ये बारे में जानना जरूरी है कि लास्ट डे का जो ओपनिंग है, लास्ट डे का जो क्लोजिंग है, लास्ट डे का जो लो है, लास्ट डे का जो हाईएस्ट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेड के लिए, वो हम लोग चार्ट में डिस्कस करेंगे। तो अगर फ्रेंड्स, अगर ये स्ट्रैटेजी आपको क्लियर हुआ तो चलिए हम लोग चार्ट में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं इस स्ट्रैटेजी के बारे में। फ्रेंड्स, ये निफ्टी 50 का स्पॉट का चार्ट है, 15 मिनट टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं मार्केट इधर से नीचे तरफ आ रहा है, इसका मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि मार्केट नीचे दिशा में जाएगा, ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट ऊपर दिशा में नहीं जा सकता, ये नहीं। ट्रेड करने से पहले ट्रेंड मालूम होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर आप देखिए ये जो ग्रीन कैंडल, 15 मिनट का ग्रीन कैंडल जो फॉर्म हुआ, अच्छा खासा गैप डाउन हुआ, मार्केट का गैप डाउन हुआ, उसके बाद फॉर्म हुआ, मार्केट इधर ओपन हुआ, देन मार्केट ऊपर निकला। ये जो वीक देख रहे हैं आप, ये इसका अपर लिमिट है और ये लोअर लिमिट है।
दूसरा कैंडल फॉर्म हुआ और रेड वाला, लेकिन इस कैंडल के अंदर फॉर्म हुआ, तीसरा भी इस कैंडल के अंदर फॉर्म हुआ, और फोर्थ टाइम, फोर्थ जो कैंडल है वो इसको इधर ब्रेक डाउन कर रहा है फ्रेंड्स। लेकिन इधर जब ब्रेक डाउन कर रहा है, जब ब्रेक डाउन कर रहा है, तब ये ट्रेड लेना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, क्योंकि इधर आप देख सकते हो कि एक अच्छा खासा सपोर्ट लाइन है, अच्छा खासा सपोर्ट लाइन है। इस सपोर्ट लाइन का ब्रेकडाउन के बाद ही हम लोग ट्रेड ले सकते हैं, उसके पहले नहीं। फिर आप देखिए, फ्लैग उसके बाद ही ब्रेकडाउन किया, लेकिन वो कैंडल उधर क्लोज नहीं हुआ। उसके बाद जो ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ वो भी क्लोज नहीं, थर्ड जो ग्रीन कैंडल वो भी क्लोज नहीं हुआ, फोर्थ जो रेड कैंडल बना वो भी क्लोज नहीं हुआ, लेकिन फिफ्थ जो कैंडल बना वो क्लोज हुआ। उधर ही आपको ट्रेड में एंटर कर देना चाहिए, उधर ही एंटर कर लेना चाहिए, और ट्रेड में इस वाले कैंडल में एंटर कर देना चाहिए इस कैंडल में। और स्टॉप लॉस, ये जो स्विंग हाई है ये स्टॉप लॉस होना चाहिए, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस। और आपका पहला वाला जो टारगेट, वो टारगेट ये होना चाहिए, टारगेट ये जो टारगेट है फ्रेंड्स 960 से मार्केट 882, दैट मींस अबाउट 80 पॉइंट्स का टारगेट है। 80 पॉइंट्स मार्केट टारगेट को हिट किया, 80 पॉइंट्स मींस ह्यूज टारगेट फ्रेंड्स। अगर आप 50 पॉइंट्स कैप्चर करते हैं मार्केट से तो बहुत ज़्यादा है। और एक दूसरा सिचुएशन हो सकता है मार्केट पे, ये भी समझ लेना चाहिए फ्रेंड्स। इधर हम लोग ट्रेड लिया जब मार्केट ब्रेकडाउन किया, लेकिन मार्केट तो ब्रेकआउट भी कर सकता था इधर, समझो इधर अगर ग्रीन कैंडल फॉर्म करके मार्केट ऊपर चला गया तो हम लोगों का कॉल में एंटर होना चाहिए। सो कॉल में हम लोग एंटर हो जाएंगे, और हमारा ये टारगेट होगा लास्ट डे का जो क्लोजिंग है वो हमारा पहला टारगेट होगा। जब मार्केट इधर आएगा और उसके आसपास आएगा, हम लोग प्रॉफिट बुक कर लेंगे। बहुत बढ़िया ट्रेड ये भी हो सकता था। इस दिन का ट्रेड के बारे में सोचिए, पहला वाला जो कैंडल फॉर्म हुआ वो एक जो रेजिस्टेंस लाइन है उधर फॉर्म हुआ, इधर हम लोग वेट करेंगे जो रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट होने पर कॉल साइड का ट्रेड हम लोग लेंगे, और वो नहीं हुआ, मार्केट नीचे आया, फिर जब मार्केट इधर इसको लो को ब्रेकडाउन करेगा तब हम लोग एंटर करेंगे, इधर एंटर करेंगे। लेकिन हम लोगों का फर्स्ट टारगेट जो वो पिछले वाला दिन का लो के बराबर होना चाहिए, इधर मार्केट जब आएगा हम लोगों का प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, नहीं तो वो लॉस ही होगा। और सबसे अच्छा ट्रेड मिलने का चांस ये जो लो ब्रेक करने पर मिलता था, ये लो अगर ब्रेक डाउन होता था प्रॉपरली, देन मार्केट जो नेक्स्ट जो स्विंग लो था यह तक आने का पॉसिबिलिटी था, लेकिन ये नहीं हुआ तो इधर मार्केट इधर से ही घूम गया। आप इधर जिधर भी ट्रेड लेंगे कॉल का या पुट का, वो लॉस ही होगा, अल्टीमेटली लॉस ही होगा, वो टाइम डिके की वजह से लॉस हो जाएगा। इधर एक छोटा सा प्रॉफिट मिल सकता था। अब इस दिन का जो ट्रेड है वो देखिए मार्केट इधर जो रेजिस्टेंस है उधर ओपन हुआ, रेजिस्टेंस पे ओपन हुआ और मार्केट ऊपर दिशा में नहीं चला। इधर जो कैंडल का लो है वो ब्रेकडाउन पे आपको एंटर करना चाहिए इधर, और आपका पहला वाला टारगेट इस डे का जो क्लोजिंग है ना ये होना चाहिए। इधर प्रॉफिट बुक करके मार्केट से निकल जाना चाहिए, इधर भी अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। ये जो पॉइंट आपको मिलेगा वो ऑलमोस्ट मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये जो पॉइंट मिलेगा इधर ये है 995, और आपको ट्रेड मिलेगा इधर ये है 20,045। 50 पॉइंट्स मिलेगा इधर, 50 पॉइंट्स काफ़ी है, लेकिन मार्केट इधर नीचे आया, बहुत नीचे आया, मार्केट इधर तक आया, लेकिन ये प्रॉफिट जो लोग एक्सपीरियंस्ड है वो लोग ही ग्रैब कर सकते हैं, दूसरा वाला नया ट्रेडर को ये प्रॉफिट नहीं मिलेगा, नया ट्रेडर को इधर ही निकल जाना चाहिए। और जो 50 पॉइंट्स जो मिल रहा है वो बहुत अच्छा पॉइंट्स है निफ्टी ट्रेडिंग के लिए। और फ्रेंड्स 15 मिनट कैंडलस्टिक पे पहला ट्रेड में लॉस होगा। आप देखिए इधर, देखिए ये पिछले दिन का लो है और मार्केट इधर ओपन हुआ मार्केट ओपन होकर नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, इधर जो रेजिस्टेंस था उधर तक गया, फिर इधर मार्केट ब्रेकआउट किया। हमारा जो स्ट्रैटेजी है वो फॉलो करके हम लोग इधर कॉल का सी का ट्रेड ले लेंगे, और मार्केट थोड़ा सा ऊपर निकलेगा 10-20 पॉइंट्स ऊपर निकलेगा, उसके बाद मार्केट नीचे देखिए आप नीचे मार्केट चलाया, और हमारा इस ट्रेड में हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 10-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस इधर रहेगा, और हमारा स्टॉप लॉस इधर हिट हो जाएगा, फर्स्ट ट्रेड में लॉस ही होगा। लेकिन आप थोड़ा सा वेट करके सेकेंड ट्रेड अगर लेते हैं, एक ही थ्योरी फॉलो करके आप अगर सेकेंड ट्रेड लेते हैं, ये जो कैंडल का लो है उसके बाद आप अगर ट्रेड लेते हैं, और आपका पहला वाला जो टारगेट होगा वो होगा पिछले दिन का जो क्लोजिंग है वो ये वाला टारगेट होगा आपके, और इधर आप 60-70 पॉइंट्स का प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। फर्स्ट ट्रेड में ओबियसली आपको इधर स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, लेकिन सेकेंड ट्रेड में आपका प्रॉफिट अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। फ्रेंड्स ये जो स्ट्रैटेजी है ये फॉलो करके हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। आप ट्राई कीजिए, एक महीना दो महीना ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए,
आई एम श्योर दैट यू विल बी सक्सेसफुल इन निफ्टी ट्रेडिंग, इन ऑप्शन ट्रेडिंग. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू वेरी मच.